हेलो फ्रेंड्स मैं सुनाली आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल स्टडी विद विध्रीस आज के इस वीडियो में हम लोग बी सी सी बी एस सी नर्सिंग एग्जाम के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका परीक्षा कब तक होगी आपका जो एग्जाम है वो कब से होगी कब तक होगी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए ये जानेंगे न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और कट ऑफ क्या रहेगा ये हम जानेंगे और बेस्ट बुक आपका कौन सी रहने वाली है के लिए ये जानेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा पहले ये जान लेते हैं तो आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा स्टार्ट वो एंडिंग ऑफ अप्रैल में होगा एंडिंग ऑफ अप्रैल 2025 में एंडिंग ऑफ अप्रैल 2025 में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ऑनलाइन ने रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग आपका ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होगा स्टार्ट तब जान गए कि एंडिंग ऑफ अप्रैल 2025 में होगा अब चलिए जानते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग कब होगा तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा मई मंथ मई मंथ में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट है फॉर्म फी फॉर्म फी कितनी रहने वाली है आपकी कैटेगरी वाइज ये जानेंगे तो देखिए जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए आपकी फॉर्म फी रहने वाली है इलेवन हंड्रेड इलेवन हंड्रेड आपका फॉर्म फी रहेगा जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए और एससी एसटी दिव्यांग के लिए आपकी फॉर्म फी रहने वाली है फाइव फिफ्टी तो देख लीजिए जर्नल ओबीसी ईबीसी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं आपकी फॉर्म फी रहेगी इलेवन हंड्रेड और एस सी एस टी बैंक से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं आपकी फॉर्म फी रहेगी फाइव फिफ्टी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन अब आपका कब होगा तो देखिए एग्जामिनेशन आपका होगा जुलाई मंथ जुलाई मंथ में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन पहले तो हम लोग जानेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है तो देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब होता है कि आपको जो एग्जाम है वो किस तरह से होगा किस मोड में होगा ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा ऑनलाइन मोड जो एग्जाम है वो पेन पेपर बेस्ड होता है, है, है. तो देखिए ये एग्जाम जो है आपका होगा ऑफलाइन मोड में किस मोड में ऑफलाइन मोड में होगा पेन पेपर बेस्ड होगा तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा ऑफलाइन Next, क्या है? देखिए मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस है bilingual. Bilingual आपका अब बाई लैंगल क्या है तो देखिए बाय मींस होता है कि आपका जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा तो आप दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम दे सकते हैं तो मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस क्या हो जाएगा आपका बोथ हिंदी एंड इंग्लिश नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? तो इस एग्जाम में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है थ्री हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो जान गए थ्री हंड्रेड पर सब्जेक्ट वाइज अब हम लोग जानेंगे आपका इस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट है तीन सब्जेक्ट कौन सा कौन सा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट है अब देखिए फिजिक्स में कितना क्वेश्चन होगा तो फिजिक्स में आपका हंड्रेड क्वेश्चन होगा टोटल हंड्रेड क्वेश्चन केमिस्ट्री टोटल हंड्रेड क्वेश्चन बायो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन मीन्स आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अब हम लोग जान गए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थ्री हंड्रेड है सब्जेक्ट वाइज भी जान गए पर सब्जेक्ट हंड्रेड क्वेश्चन अब आपके दिमाग में चलता होगा कि एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? तो देखिए आपका एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपका फोर मार्क्स का होगा फोर मार्क्स कैरी करेगा आपका एक क्वेश्चन ठीक है अब हम लोग जान गए कि एक क्वेश्चन फोर मार्क्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थ्री हंड्रेड पर सब्जेक्ट हंड्रेड क्वेश्चन अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकालने के लिए आपको 300 हंड्रेड इंटू करना होगा 300 हंड्रेड इंटू अगर आप करिएगा तो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएगा 1200 हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो गया आपका 1200 हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 हंड्रेड पर सब्जेक्ट 100 हंड्रेड क्वेश्चन वन क्वेश्चन फोर मार्क्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉरी हाँ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका कितना है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो हम लोग जान गए कितना है 1200. 1200 है हमारा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मार्क्स देखिए नेक्स्ट है पासिंग अब आपका पासिंग मार्क्स क्या रहेगा इस एग्जाम में तो देखिए ट्वेल्व हंड्रेड में से आपको एटलीस्ट सिक्स फिफ्टी मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए ठीक है तो आपका पासिंग मार्क्स क्या होगा सिक्स फिफ्टी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग अब क्या है और कितना है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपका कितना है तो इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है वन बाय फोर वन फोर्थ आपका नेगेटिव मार्किंग है अब जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग क्या है तो देखिए इसे अच्छे तरीके से आप समझिएगा वन क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन सही बनाते हैं क्या करते हैं सही बनाते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा कितना मार्क्स मिलेगा फोर मार्क्स और वो कैसे तो मैंने आपको बताई थी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है फोर मार्क्स तो अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाइएगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा फोर मार्क्स लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाइएगा क्या करिएगा गलत बनाइएगा तो आपका वन बाय फोर मार्क्स डिडक्ट होगा क्या होगा डिडक्ट होगा डिडक्ट मीन कट जाएगा क्या होगा डिडक्ट होगा कट जाएगा इसे ही कहते हैं नेगेटिव मार्किंग और इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है वन बाय फोर तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है बेस्ट बुक आपका बेस्ट बुक कौन सा है तो आप अरिहांत बुक परचेस कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए अरिहांत प्रभात ये बुक आप परचेस कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए बीएससी नर्सिंग 2025। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट कि हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हमारे बेच्स परचेस करके तैयारी करके बीएससी नर्सिंग में टॉपर आए हैं 2024 में तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे छात्र हैं जिन्होंने टॉप किए हैं बीएससी नर्सिंग 2024 में देखिए संतोष कुमार इनका रैंक देखिए फिफ्टी रैंक है ये टॉपर है बी नर्सिंग टू के अनन्या सिंह रैंक टू रैंक पलक सिंह 88 रैंक ये सारे हमारे छात्र हैं मनोज कुमार रैंक 418 ये सारे हमारे छात्र स्टूडेंट जी, जिन्होंने 2024 में टॉप किए अब अगर आप भी चाहते हैं कि बी एस सी नर्सिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी तो आप हमारा बैच परचेस कर सकते हैं बैच का नाम है रणनीति बैच बैच ग्रुप पीसीबी पीसीएमबी इस में आपको देखिए क्या क्या फीचर्स मिलेगा लाइव क्लास वीडियो क्लास असाइनमेंट डेली प्रैक्टिस टेस्ट वीकली टेस्ट डाउट क्लास कंप्लीट नोट लास्ट फिफ्टीन ईयर पी क्यू ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिलेगा इसका प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस है आपका रुपीज फाइव हंड्रेड एंड नाइन फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड नाइन में आप ये बैच परचेज कर सकते हैं और आप भी बी एस इन और टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में टॉपर आ सकते हैं अब देखिए आप रणनीति बैच कैसे परचेस कर सकते हैं तो पहले आपको इंस्टॉल करना होगा स्टडी विथ रीतीश एप उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा फिर आपको पेड कोर्स में जाके आपको सिलेक्ट करना होगा रणनीति बैच और फिर आपको बाय नाउ करना होगा फिर देखिए स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन बैच से एनरोलमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं थर्ड फ्लोर एनआरआई प्लाजा रोड नंबर जीरो राजीव नगर पटना इस एड्रेस पर आप आ सकता है विजिट कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बेच से रिलेटेड आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट